मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि ए फॉर्म के बारे में भी आपको बता दिया जाए कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। वैसे एसएसक्यू फॉर्म से थोड़ा ये इजी है फिल करना इसको। चैनल पर अगर आप नए हैं तो किसी भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कोशिश करिएगा कि जो आपने फॉर्म फिल करा है वही फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पर पेस्ट करो। नया कोई रहेगा फ़ोटो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 आपको वार्निंग दी गई है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स ना हो या बनावटी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आपको सीधा यहाँ से शुरू करना है पॉइंट नंबर 1 से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम इन ब्लॉक कैपिटल, ठीक है, नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल। तो कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है सरनेम के साथ, और फिर आपको यहाँ पे सरनेम और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। सपोज़ करो कि आपका नाम मोनू शर्मा है, तो पहले आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में मोनू शर्मा, फिर यहाँ पे सरनेम में शर्मा और नेम में फिर यहाँ पे मोनू, ये ब्लॉक कैपिटल लेटर में ही लिखना है। आगे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है यहाँ पर, और यहाँ पे होम एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस आपको देना है। हो सकता है कि किसी किसी का प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 जो है ये आपके लिए नहीं होगा, ये नॉट अप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये वैसे कैंडिडेट के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी दूसरे देश के रेसिडेंट है। ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसको 3 का ही पार्ट माना गया है, ठीक है, 3 का ही पार्ट है 1, इसलिए सीधा आपको पॉइंट नंबर 4 देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप एसएसक्यू फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें था कि पिछले 3 साल में 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हो तो उसका डिटेल देना था। यहाँ क्या है कि जब आप 21 साल की हो गए, जब आपकी उम्र 21 ईयर्स हो गई, उसके बाद पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हो तो उसका डिटेल देना है यहाँ पे कि कब से कब तक रहे हो और वहाँ का एड्रेस क्या है। और एक चीज़ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज कर रही है कि नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है और वहाँ पे सेंटर पे उनसे पूछ करके इसको फिल करना है। कुछ नहीं करना है, 21 साल जब आपकी उम्र हो गई, सपोज करो आपकी एज अभी 24 है, तो 21 साल से कितना ज़्यादा है, 3 साल ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 साल में 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हो तो उसको यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। वैसे इन्होंने 5 साल दिया हुआ है, 5 ईयर, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि आपकी एज 21 होने के बाद। अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपके फादर, आपके मदर, आपकी वाइफ, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर के बारे में डिटेल पूछा गया है, जैसे कि एसएसक्यू फॉर्म में भी था कि उनकी नेशनलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है कि वो क्या करते हैं, और उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है और परमानेंट होम एड्रेस क्या है। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है आपके, अगर कोई आपकी आपके लड़के या लड़की फॉरेन में रहते हों, विदेश में रह के वो पढ़ाई कर रहे हों, तभी ये फिल करना है, अदरवाइज ये भी नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द केस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नॉट अप्लीकेबल ही होगा। पॉइंट नंबर 6 है नेशनलिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंडियन। और फिर आपको यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा गया है, आपके प्रेजेंट एज के बारे में पूछा गया है और एज एड मैट्रिकुलेशन के बारे में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप फिल करिएगा 10th क्लास के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज और एज एड मैट्रिकुलेशन। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछा गया है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि विलेज का नाम दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्टेट क्या है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और यहाँ पर पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, योर रिलीजन, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, सिख हो तो सिख, ईसाई हो तो ईसाई,
और यहाँ पे पूछा गया अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि हाँ आप ओबीसी से हो या एससी से हो या एसटी से हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 जो है यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है कि जब आप 15 साल के हो गए, जब आपकी एज 15 साल हो गई, उसके बाद से अगर आप कहीं पढ़े हो किसी स्कूल में और कॉलेज में, तो आपको उस स्कूल या कॉलेज का नाम, आपने कब वहाँ पे एंट्री ली और कब आपने कॉलेज छोड़ा, और एग्जामिनेशन पास्ट, यानी कि अगर टेंथ हो तो टेंथ पास, ट्वेल्थ तो ट्वेल्थ पास, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन पास यहाँ पे आपको देना होगा। 15 साल के जब आप हो गए उसके बाद से किसी स्कूल में या कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, तो एडमिशन डेट यहाँ पे रहेगा जब आपने कॉलेज छोड़ा, और एग्जामिनेशन पास यानी कि कौन सा एग्ज़ाम आपने पास करा, अगर BCA था तो आप यहाँ पे BCA, BSc था तो BSc, BA था तो BA, और यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11 आपके प्रीवियस जॉब के बारे में पूछ रहा है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब की हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक अंडरटेकिंग में, कहीं भी आपने जॉब किया है तो उसका डिटेल आपको देना होगा कि कब से कब तक आपने जॉब करा है। अगर अभी भी जॉब कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कब से जॉब कर रहे हो और अभी का डेट, यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन देना होगा, यहाँ पे आपको फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ योर एम्प्लॉयर, कोई कंपनी है तो कंपनी का पूरा एड्रेस यहाँ पे नाम के साथ देना होगा, और अगर आपने काम छोड़ दिया है तो किस रीजन से आपने छोड़ा है अपना प्रीवियस जॉब, यहाँ पे देना होगा। अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना है कंटिन्यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 बी कह रहा है कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे थे किसी भी सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं भी, और वहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग एक मंथ पहले आपने नोटिस दे करके जॉब छोड़ा, लेकिन फिर भी अगर आपके अगेंस्ट में कंपनी ने कोई कार्रवाई की है आपके अगेंस्ट में और आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ा है, तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। ऐसे केसेस बहुत कम होंगे तो यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 12 जो है ये लगभग सबके लिए नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सारे, अगर आपके खिलाफ़ कोई केस है, अगर आप प्रोसिक्यूटेड हो, अगर आपको जेल में रखा गया है, कहीं बंदी बनाया गया है, अगर कोर्ट के द्वारा, अगर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर आपको कभी कहीं फाइन करना पड़ा है। अगला है, हैव यू एवर कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो तो यस करना है, अदरवाइज सारे यहाँ पे नो हो जाएंगे, यहाँ पे नो 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 सभी जगह नो हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही आगे कह रहा है कि अगर कभी भी किसी भी एजुकेशनल अथॉरिटी द्वारा अगर आपको रेस्टिकेटेड किया गया है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर कभी भी आपको SSC या PSC द्वारा कभी आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, या एग्ज़ाम देने से रोका गया है, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो रहेगा। कोई केस पेंडिंग है अगर आपके खिलाफ तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो रहेगा यहाँ पे भी। और किसी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल अथॉरिटी द्वारा अगर आपके खिलाफ कोई केस किया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पे यस होगा, अदरवाइज ये भी नो हो जाएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एक्सपेल्ड किया गया है, तो यस होगा, अदरवाइज यहाँ पे भी नो हो जाएगा। तो लगभग सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नो ही हो जाएगा। अगर ऊपर किसी में भी यस होता है तो उसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से कि क्या क्या हुआ था और आपके खिलाफ क्या क्या केसेस फाइल थे और उसका रिजल्ट क्या रहा। ऊपर के पॉइंट्स के लिए फिर आपको दो वार्निंग यहाँ पे दी गई हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे दो लोग जो आपको अच्छे से जानते हो आपके लोकल में, उनका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दोगे कि आपकी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं है, अगर आप फीमेल हो तो आपके एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं है। फिर आपका ये हो जाएगा डिक्लेरेशन कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कम्प्लीटली दी हुई है वो आपके नॉलेज में है, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे डेट डाल देना है और जो भी आपका प्लेस है वहाँ पे लिख देना है। इसके बाद से आएगा आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे आपका सिग्नेचर नहीं रहेगा, वो अथॉरिटी का रहेगा, इसमें से किसी से भी आप लोग इस पर सिग्नेचर करवा सकते हो और यहाँ पे उनका स्टाम्प लग जाएगा। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका ये अलग हो गया ए फॉर्म से और SSC फॉर्म से। आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।